हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कुकवित्सुष्मा में। आज हम बनाएंगे भरवा करेले। करेले को मैंने साफ पानी से धो के ले लिया है। अब हम एक एक करके सभी करेले को ऐसे करके छील लेंगे। भरवा करेला खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे आप रोटी के साथ, दाल चावल के साथ खाएंगे तो खाने का स्वाद बढ़ा देता है। इस तरह से हम सभी करेले को छील लेंगे। ये देखिए, हमने सभी करेले को एक एक करके इसका ऊपर से हल्का हल्का छिलका हटा दिया है। मैंने इस तरह से सभी करेले का गूदा काट दिया है। करेले के इस गूदे को फेंकेंगे नहीं, ये स्टफिंग में भरने के काम आएगा। करेले को आगे पीछे से इस तरह से काट लेंगे। मैंने सभी करेले को इस तरह से काट लिया है आगे पीछे। अब एक प्लेट लेंगे और करेले को बीच से चीरा लगा देंगे इस तरह से। और इसके अंदर का सारा गूदा हम निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसका सारा गूदा निकाल दिया है। इसी तरह से सारे करेले का गूदा निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने सभी का एक एक करके अंदर से गूदा निकाल दिया है। इस गूदे को भी हम स्टफिंग बना लेंगे और इस छिलके को भी हम मसाले के साथ दोनों को भूज के स्टफिंग बना लेंगे। अगर आपको बीज पसंद है तो आप इसमें रहने दे सकते हैं, आ नहीं तो हटा दीजिए। मैं एक एक करके करेले के सभी बीज को हटा दूंगी। एक दो रह भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ मैं एक कढ़ाई में पानी ले लूंगी और साथ ही इसमें एक चम्मच नमक डाल दूंगी और करेले को इसमें डाल देंगे। एक उबाल आने तक इसे पका लेंगे, ढक्कन लगा देंगे। जब तक हमने करेले को उबलने के लिए रखा है, इधर हम करेले से जो गूदा निकला था उसमें नमक डाल देंगे और कुछ देर से छोड़ देंगे, जिससे कि करेले का कड़वापन निकल जाएगा। ढक के इसे कुछ देर छोड़ देंगे। करेले में एक उबाल आ चुका है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। एक एक करके सभी करेले को हम निकाल देंगे और ठंडा होने देंगे। हमने सारे करेले निकाल लिए हैं। अब चलते हैं मसाले की तैयारी पर। जब तक हमारे करेले ठंडे हो रहे हैं, हम करेले का मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, डालेंगे इसमें तेल। जब तेल गर्म हो जाए तो डालेंगे एक छोटा चम्मच जीरा। जब जीरा हल्का सा चटक जाए तो हम डालेंगे इसमें दो मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज और इसे ट्रांसलूसेंट होने तक भून लेंगे। जब तक प्याज हमारे भून रहे हैं, इधर हम लहसुन, मिर्ची और अदरक का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। प्याज को हमने भून लिया है, इससे ज्यादा हमें और नहीं भूनना है। अब डालेंगे अदरक, लहसुन और मिर्ची का जो पेस्ट बनाया था हमने, एक चम्मच, और इसे हल्का सा भून लेंगे। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भून जाए तब हम इसमें डालेंगे करेले का जो गूदा हमने छील के रखा था उसे। इसे मैंने पानी से 4-5 बार धो दिया है ताकि इसका कड़वापन निकल जाए। अब हम इसे डाल देंगे। एक मिनट इसे अच्छे से भून लेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ है और आधी चम्मच आमचूर पाउडर। डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। सभी मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा भूनकर तैयार है। अब चलते हैं इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद इसे करेले में भर देंगे। करेले को हमने पहले उबाल के ठंडा कर लिया था और ये मसाला भी ठंडा होकर तैयार है। अब एक एक करके सारे करेलों में स्टफिंग को भर लेंगे।
अच्छे से भरेंगे इसमें ताकि एक भी जगह खाली ना हो। देखिए इस तरह से भरकर हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से सारे करेले को हम भर लेंगे। फिर हम एक और करेला लेंगे और स्टफिंग को इसमें डालेंगे। अच्छे से दबा देंगे। और इस तरह से भर के तैयार कर लेंगे। सभी करेले को इसी तरह से हमें स्टफिंग डाल के भर लेना है। सभी करेले लगभग हमने भर कर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए सारे करेले भर कर तैयार है। अब चलते इन्हें फ्राई कर लें। कढ़ाई हमने गरम कर ली है। अब इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे जिससे कि करेला अच्छे से कुक हो जाए। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब एक एक करके सारे करेले को इसमें डाल देंगे। आप इसे धागा से भी बांध सकते हैं जिससे कि उलटने में सुविधा रहती है और इसकी स्टफिंग निकलेगी नहीं। करेले को ढक देते हैं। जो थोड़ा बहुत कच्चा रहेगा वो ढकने से पक जाएगा। करेले को हम बीच में एक बार चेक कर लेंगे। अब इसे पलट देंगे। ढक देंगे और इसे मीडियम आंच पे धीरे धीरे पकने देंगे। करेले को चेक कर लेंगे। करेला काफी अच्छे से ब्राउन हो चुका है और ये बनकर तैयार है। एक एक करके हम सभी करेले को निकाल लेंगे। इतने करेले हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं और बचे हुए करेले को भी इसी तरह से हम फ्राई कर देंगे। सारे करेले हमने फ्राई कर तैयार कर लिए हैं और ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे भी हम निकाल लेंगे। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे रोटी पराठा या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। कुरकुरे क्रिस्पी मसालेदार भरवा करेला हमारा बनकर तैयार है। आप इसे रोटी पराठा या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं।